हे गाइस, वेलकम बैक। और सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइस, आज 15 डे हो चुका है इस वाले अकाउंट को, जो हमारा चैलेंज है 60 डेज मैक्स चैलेंज, उसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। आज की वीडियो में शुरुआत में आपको प्रोग्रेस बताऊंगा, उसके बाद में और अपग्रेड्स आज डालने वाला हूँ, उसी के साथ काफ़ी फन करेंगे। तो गाइस, मज़ा काफ़ी आएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसी के साथ गाइस, इन गेम कुछ भी परचेज करते हो तो एक सपोर्ट जो आप चुमेश्वरी हमेशा करते हो वो है क्रिएटर कोड अड्डा, जरूर यूज़ करें, इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके भाई को एंड फैमिली को, तो डू सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे गाइस, तो जैसे मैंने बताया था सारे वॉल, मैं सोच रहा हूँ एक प्रोग्रेस बेस इसमें मैं जल्द से जल्द सेट कर लूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा मुझे समझना कि कौन सी चीज़ें हो गए हैं, कौन सी चीज़ें बाकी हैं। ओके, एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि दो बिल्डर्स फ्री है, तीन होने चाहिए थे। ओके, एक घंटे में ये बिल्डर फ्री हो जाएगा। ओहो, मैं बिल्डर पोशन यूज़ करना भूल गया था क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे ये कैसे सीन बन गया। कोई नहीं, एक काम करते हैं, हम शॉप में जाते हैं, शॉप में जाके हम एक बिल्डर पोशन परचेज करते हैं और इस बिल्डर पोशन को हम इस पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो अपग्रेड है ये फटाफट कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, आज के अपग्रेड्स के लाइनअप क्या हैं। सबसे पहले लैब में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और लैब में मेरे पास ऑप्शंस में हील जंप एंड ये सारी चीज़ें हैं। डार्क एलिक्सिर का अभी प्लान नहीं है, अभी थोड़ी देर में उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं हील स्पेल को डाल रहा हूं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड आपको पता ही होगा गाइस कि हॉग्स हम यूज़ कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी मैंने हॉग्स यूज़ किया था, और बीच में मैं हॉग्स ही यूज़ कर रहा हूँ। मीनवाइल की CWL भी खेल रहा था ताकि कुछ मेडल्स हम अर्न कर सके थोड़े लो लेवल में जाके। बट भाई साहब, यहाँ पे इतनी भयंकर मिसमैचिंग हुई है कि क्या ही बोले, हमारे टाउन हॉल 9 के अपोजिट में सारे टाउन हॉल 10 आ गए। बट लकीली मैंने एक ट्रिपल मार दिया टाउन हॉल 10 पे, ऑब्वियसली ये कोई मैक्स टाउन हॉल 10 नहीं था, काफ़ी इजी था, मतलब टाउन हॉल 9 और 10 का जो दो इन्फर्नो होते वो थे, बट सिंगल थे तो ईजिली हो गया। सो जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वीन चार्ज हॉक्स किए थे हमने, क्योंकि वही हम जा रहे हैं इस बार फार्मिंग पे भी, हम उसी के साथ जा रहे हैं। तो हमने लैब में डाल दिया है हमारे जो हील स्पेल है। मीनवाइल गाइस, दो फाइनल जो बैरक्स बचे हैं मेरे एलिक्सिर बैरक्स, वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब इसके बाद मेरे चारों एलिक्सिर बैरक अपग्रेड हो जाएंगे, उसके बाद मैं डार्क एलिक्सिर बैरक पर फोकस करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि डार्क एलिक्सिर बैरक भी दोनों साथ में अपग्रेड करूं, और जब दोनों साथ में अपग्रेड करूंगा तो मैं डार्क एलिक्सिर ट्रूप से स्विच कर लूं, फिर से ड्रैगन्स या फिर बेबी ड्रैगन्स भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अभी के लिए फिलहाल गाइस, जो अपग्रेड्स हमें करना है वो है ऑब्वियसली बात है डिफेंस। डिफेंस के मामले में बात करूं तो विजर्ड टार्स हो चुके हैं, दो तीन विजर्ड टार्स हो चुके हैं, तीनों एयर डिफेंस हो चुके हैं। नया वाला एयर डिफेंस जो है वो जुमा भी टाइम लगेगा उस पर थोड़ा सा, और जो नया वाला विजर्ड टार है वो भी थोड़ा उस पर टाइम लगेगा। बम टार करेंगे आज, तो एक बम टार मैं पहले से इनिशियली डाल देता हूं। टेस्लाज जो है हमारे, तीन टेस्लाज हो चुके हैं और हमारा चौथा टेस्ला जो है वो लेवल 3 का है, इस पर भी हमें वर्क करना है। आर्चर टार्स के बारे में बात करूं गाइस, तो आई थिंक हाँ, दो आर्चर टार्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी एक दो तीन यहां पे आर्चर टार्स मुझे देख रहे हैं, तो तीन आर्चर टार्स अभी भी बचे हुए हैं। तो ये है लिखा झोंका, एक बिल्डर फ्री है, एक बिल्डर 47 मिनट्स, मतलब बूस्ट चल रहा है, तो अभी बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा। तो तब तक मैं एक काम करता हूं, एक और आर्चर टार लगा देता हूं, यहां पे एक आर्चर टार हमारा आ जाएगा, और फटाफट चलते हैं अपने फार्मिंग पे, क्योंकि हमें काफी सारा डार्क चाहिए। एक अटैक बचा है, एक अटैक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम दोनों हीरोज़ को साथ में अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। CWL था इसीलिए हमने थोड़ा होल्ड किया था, बट हम होल्ड नहीं करेंगे, अब फटाफट अपग्रेड जो है वो शुरू कर देंगे। चलिए एक फटाफट अच्छा सा बेस सर्च करता हूँ जहाँ पे तगड़ा लूट मिले। डार्क एलिक्सिर अभी से मेरा प्रायोरिटी फिर से आ गया है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे ही CWL का लास्ट फोर हम अटैक हम ले लेंगे, उसके बाद हम डार्क एलिक्सिर अपग्रेड्स पे फोकस करना शुरू करेंगे। गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4000 डार्क है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है, एंड आई थिंक कि ये बेस इतना टफ नहीं होना चाहिए, इसको हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्वीन आ जाएगी, यहाँ पे हीलर्स आ जाएंगे, एंड प्लान ये है कि आप वॉल ब्रेक करके यहाँ से अंदर आ जाए। लेट्स ड्रॉप द बेबी ड्रैगन हियर एंड वॉल ब्रेक करते हैं, एक दो तीन। ओके, सो कोई ट्रैप नहीं था, दैट्स फाइन। क्वीन यहाँ पे काफ़ी आराम से, ओ भाई इलेक्ट्रो, ओहो टूरू लाभ जी। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे किंग को ड्रॉप करेंगे, पॉइजन कर देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो को। रेज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि मैक्स तो ऑब्वियसली टाउन लाइन में मैक्स इलेक्ट्रो नहीं आता है, बट
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो इलेक्ट्रो मेरे को। तो हाँ, इलेक्ट्रो डाउन हो गया बहुत ही चीपली। अब मेरी क्वीन जो है वो अंदर आके, एनिमी क्वीन चाहिए मुझे, एक बार एनिमी क्वीन आ जाए उसके बाद से हम हॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मेरा किंग जो है वो टिका हुआ है, बट ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा किंग, वहाँ पे काफ़ी डैमेज सोक कर रहा है। एंड फाइनली द किंग गोज डाउन, बट ठीक है, इनिशियल फनल जो मुझे चाहिए था किंग से वो मुझे मिल चुका है। क्वीन बेस के कोर में है, दैट्स सो स्वीट। अब एनिमी क्वीन के साथ भिड़ना है और एनिमी क्वीन ईजिली निकाल लें, लो लेवल क्वीन है तो ये भी निकल गया। अब हम यहाँ से अपनी हॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, दो दो तीन तीन के बंच में हॉग यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हील करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बम टार है, तो बम टार का डैमेज जो है वो मैं इग्नोर करना चाहूँगा ऑब्वियसली। यहाँ पे भी हम हॉगिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट करता हूँ उधर का हॉग्स जो हैं वो एक बार मर्ज हो जाए इधर के साथ, उसके बाद हम जो है वो ड्रॉप करेंगे। लेट्स ड्रॉप, यहाँ पे तीन तीन के नंबर्स पे फिर से ड्रॉप कर रहे हैं, दैट्स गुड। कोर में जो ये किंग है ये मुझे काफ़ी तकलीफ दे सकता है, बट आई डोंट थिंक कि तकलीफ तो ऑब्वियसली थोड़ी सी देगा, बट अटैक जो है वो फेल नहीं होगा एटलीस्ट। चलो तो यहाँ पे लास्ट हील आ जाएगा हमारा, स्केलेटन्स और किंग मिलके काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं, बट जैसे क्लियर हो जाएगा ना एक बारी डिफेंस, उसके बाद तो किंग को ऐसे निचोड़ लेगा मेरे हॉग्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन, दो डिफेंस बचे हैं बस, उसके बाद जो है वो किंग की बैंड बजेगी, और ये बजी किंग की बैंड, यस बैंड बज गई किंग की। अब हम यहाँ पे लून्स यूज़ करेंगे एज अ क्लीन अप, यहाँ पे एक लून और यूज़ कर लेते हैं, आर्चर यहाँ और बाकी के वॉल ब्रेकर्स यहाँ, तो काफ़ी इजीली हमने ये वाला कर लिया। क्वीन पे रेज कर देते हैं और फ्रीज भी कर देते हैं, वैसे अभी तो ट्रूप का कोई कॉस्ट लगता नहीं है तो फिर इनको बचाने का कोई मतलब है नहीं। क्वीन एबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड सारा का सारा डार्क हमने यहाँ पे निकाल लिया है। एंड उसी के साथ ये फाइनल बिल्डिंग, ओ भाई जाइंट बम निकला था वहाँ पे, कोई नहीं, एक विजर्ड था जो कि थोड़ा डैमेज लिया उसने, बट अभी भी टिका हुआ है। ओके सो ये अटैक हमारा आराम से क्लियर हो गया एंड हमने काफ़ी डिसेंट सा डार्क लेजर यहाँ पे गेन कर लिया और बोनस भी मिल गया, लेट्स गो गाइज। आर्मी भी मेरी रेडी है, यस बूस्ट लगाया था मैंने, थोड़ा बूस्ट से खेल रहा था, और यहाँ पे एक और आर्मी की सेट हमारी रेडी हो चुकी है। एंड अभी भी ये थोड़ा टाइम बचा है तो एक और रेड हम तब तक मार लेते हैं, जितना ज़्यादा डार्क सेव करके रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो देखते हैं कि एक और अच्छा अगर डार्क मिल जाए 3,500 या फिर उससे अबव अगर, भाई बट ये अटैक मैं नहीं कर सकता क्योंकि लग जाएंगे मेरे, अब देख सकते हो टी एच 11 है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी भाई 5,000 डार्क था वहाँ पे, 4,000 यहाँ पे भी है, बट टाउन हॉल 10 है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वैसे, अभी एक दो सर्च मारूंगा तो मिल ही जाएगा 1,000। अच्छा गोल्ड एलिक्सर था बट ऑब्वियसली बात है डार्क बहुत ही कम था तो इस पर नहीं करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं आप लोग को, ओ माई गॉड, मतलब अभी मैं सोच रहा था कि कट करूं वीडियो को, बट ये बेस मिल गया, लेट्स गो गाइज लेट्स गो। एनिमी क्वीन यहाँ पे है, एनिमी किंग अपग्रेड पे है, वाओ। ओके सो एक आर्चर यहाँ, क्वीन मेरी आ जाएगी यहाँ पे विथ ऑल द हीलर्स। एक बार एनिमी क्वीन डाउन हुई कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चलो ठीक है। सो थोड़ा वेट करेंगे, क्वीन जो है वो अभी बाहर की थोड़े ट्रैश क्लियर कर रही है, मुझे ये रेज चाहिए होगा अर्ली क्योंकि इसकी एनिमी मतलब एनिमी की जो क्वीन है वो अच्छी लेवल की है, 27 लेवल की है, तो सिर्फ और सिर्फ हीलर्स के भरोसे मैं नहीं रह सकता, मुझे रेज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हैवी गो, सो 1, 2, 3, 4 शॉट हो गई क्वीन और यहाँ पे आर्चर टार गया। सीसी कुछ है या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, क्योंकि वैसे कुछ ड्रैगन्स लून्स वगैरह निकल गए तो फिर बाद में हॉग्स को दिक्कत हो जाएगी, नहीं है, दैट्स गुड। ओके सो क्वीन हमारी सही जा रही है, अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं एक काम करता हूँ, मैं बेबी को यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, परफेक्ट। 1, 2, 3 वॉल ब्रेक करेंगे यहाँ पे, क्वीन को एंट्री दिलाएंगे और इस साइड से मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉगिंग जो है वो स्टार्ट करूँगा, सही जा रहा है। अब किंग आ जाएगा यहाँ पे विथ अ विजर्ड, दैट्स गुड। यहाँ पे हॉग्स आ जाएंगे 3-4 के काउंट में, यहाँ पे थोड़े थोड़े से हॉग्स, यहाँ पे थोड़े से हॉग्स, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में जाएं हॉग्स सारे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉग्स उसी साइड को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सबो भी है, टेस्ला फार्म भी है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिफेंसेस हैं। बॉटम साइड से सीसी वाले हॉग्स जो है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, सही जा रहा है अभी तक तो, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक जा रहे हैं हम, और ये एयर डिफेंस मुझे थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है। क्वीन को थोड़ा रेज अप करते हैं ताकि कोई ज़्यादा, ओ माय गॉड, ओ नो टूरू लव, ओ भाई साहब क्वीन, भाई 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 हॉग्स जो हैं वो सारे आ गए यहाँ पे, ओ नो। ओके चलो हील हो गए, ये सही रहा हमारे लिए। थोड़े से लून्स हैं तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, वैसे सही जा रहा है। हम किंग एबिलिटी बची है यहाँ पे और आई थिंक इजीली हो जाएगा, ये वाला भी।
तो हॉक्स काफी सारे बचे हैं यहाँ पे, लून्स भी आ रहे हैं विजिट टार पे, और ये गई लास्ट वाली विजिट टार, और इसी के साथ हम किंग क्वीन एबिलिटी यूज कर लेंगे एंड इजिली। भाई सब क्या लूट मिला भाई, एक तो गोल्ड एलिक्सिर जो मिला सो मिला, वो भी डार्क भी इतना तगड़ा वाला मिला, मजा आ गया गाइस, मजा आ गई भाई, मजा आ गई। ओके टाइम तो काफी बचा हुआ है, जल्दी जल्दी क्वीन कर लो कंप्लीट, और ये गया खत्म, टाटा गुड बाय। सो डार्क भी थोड़ा सा हमने अच्छा गेन कर लिया वैसे इस अटैक में, और 68 लेवल पे भी हम पहुंच चुके हैं, दैट्स कूल। अब हम क्या करेंगे, ओके हमारा एयर डिफेंस कंप्लीट हो गया, तो एक डिफेंस अपग्रेड पे डालेंगे। एक बार देखते हैं कि बिल्डर्स कब फ्री हो रहे हैं, 16 घंटे बाद दो बिल्डर्स फ्री हो रहे हैं, दोनों को कहाँ लगाऊंगा आपको बता दिया मैंने, डार्क बैरक्स पे लगाऊंगा दोनों को। स्टोरेज भी धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है उस पे। एंड जैसे अब नेक्स्ट बिल्डर्स फ्री होंगे, जो कि एक बिल्डर हो जाएगा 22 दिन, ओ अच्छा, प्लान में थोड़ा चेंज है। अब ये दोनों बिल्डर्स जैसे फ्री होंगे ना गाइज, उसके बाद मैं डार्क बैरक्स को नहीं लगा रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल मैं दोनों को हीरोज पे लगा रहा हूँ। जैसे अभी देख सकते हो 22 मिनट में वॉर खत्म है, जैसे वॉर खत्म होगा मैं तुरंत अटैक्स ले लूँगा, नेक्स्ट वॉर का अटैक ले लूँगा, और उसके बाद उसको ट्रिपल करने, मतलब ट्रिपल पता नहीं अभी तो, मतलब उसको अटैक करने के बाद मैं दोनों हीरोज़ को लगा सकता हूँ जैसे ये बिल्डर्स फ्री हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट बिल्डर कहाँ जाएगा, जैसे मैंने बताया था आर्चर टार पे जाएगा, तो आर्चर टार अभी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टेस्लास हम कर चुके हैं, एक टेस्ला बचा है लो लेवल है उसको भी कर लेंगे। तो ये सारे अपग्रेड्स हमने डाल दिए गाइज, आज के लिए इतना ही था, 15 दिन बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, अभी हमारे पास 45 दिन है, काफ़ी है मुझे लगता है। और हीरोज़ मतलब हीरोज़ ही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा टेंशन दे रहा है, बट मुझे लगता है कि जितना मेरे पास मेडल्स अभी हैं फिलहाल 160 मेडल्स हैं, इस CWL के बाद शायद 120-130 आ जाएंगे, और तो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर्स पोर्शन परचेज करेंगे, और देखते हैं कितना खींच सकते हैं हम, कोशिश तो करेंगे कि कंप्लीट कर ले, बट किस्मत देखते हैं कितना साथ देती है। इस वीडियो में इतना ही, होप श्योर आपने इंजॉय करा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहने, एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।